हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। सो टुडे आवर टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन सेविंग फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। लास्ट कंसेप्ट में, लास्ट चैप्टर हमने सेंट्रल बैंक एंड फंक्शंस एंड क्रेडिट कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम 20th चैप्टर कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्टली देखो, इस चैप्टर की हम इंट्रोडक्शन करते हैं। तो देखो, फर्स्टली कि जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, ठीक है, जिन्होंने क्लासिकल थ्योरीज दी थी, ठीक है, तो लाइक जैसे कि क्लासिकल थ्योरीज इकोनॉमिक्स हैं, ये जो हमारे कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन है, सेविंग फंक्शंस हैं एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस हैं, तो ये जो कंसेप्ट है वो केन्जियन थ्योरीज पे डिपेंड है। बिकॉज जो केन्जियन थ्योरी, केन्जियन ने क्या है, अपनी थ्योरी दी थी, तो उस वो जो केन्जियन ने थ्योरी दी थी, वो कंट्री में अगर नेशनल इनकम कम है, ठीक है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, देन उन सिचुएशन को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए केन्जियन ने थ्योरी गिवन की थी। तो केन्जियन ने जो थ्योरी गिवन की थी, ठीक है, बुक पब्लिक लिखी थी, तो उसके थ्योरी के बारे में डिस्कस करने से पहले इसके जो मेन उससे रिलेटेड कंसेप्ट हैं, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो केन्जियन ने एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम रिलेटेड थ्योरी दी थी, फिर लास्ट में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली देखो कि सबसे पहले जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, क्लासिकल थ्योरीज गिवन की थी जिन इकोनॉमिक्स ने, लाइक जैसे कि एडम स्मिथ, जे एस मिल, डेविड रिकार्डो, एक्सेट्रा। सो ये क्या है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, और इन्होंने क्या है, क्लासिकल थ्योरी दी थी, ठीक है। सो क्लासिकल थ्योरी किस पे बेस्ड थी, क्लासिकल थ्योरी में उन्होंने क्या गिवन किया था कि कंट्री में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट, ओके, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन दी कंट्री। तो क्लासिकल थ्योरी किस पे बेस्ड थी कि कंट्री में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, फुल एम्प्लॉयमेंट जिसमें हर एक पर्सन के पास, कंट्री में हर एक पर्सन के पास जॉब होती है, ठीक है, बट ऐसी सिचुएशन है नहीं, ओके। सो इन्होंने बोलना था, क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने जो एक थ्योरी दी थी क्लासिकल, एडम स्मिथ, जे एस मिल एंड डेविड रिकार्डो, सो इन्होंने क्या बोला था, देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन दी कंट्री, ओके, एंड जो सेज लॉ ऑफ मार्केट है वो भी इन्हीं अजम्पशंस पे बेस्ड है, सेज लॉ ऑफ मार्केट, कि जो मार्केट है उसमें क्या है, डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होती है। डिमांड एंड सप्लाई मीन्स कि जितने लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर कॉमोडिटी की अगर हम एग्जाम्पल लें, तो अगर कंज्यूमर 100 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं, देन उसकी सप्लाई भी कितनी है, 100, ओके, या 200 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं, सो जो सप्लाई है वो भी कितनी है, 200 यूनिट्स। तो जो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट है, जिसमें हम डिमांड इक्वल सप्लाई होती है मार्केट में, सो ये जो थ्योरी, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने क्लासिकल थ्योरी गिवन की है, ये भी क्या है, सेल्स लॉ ऑफ मार्केट के अजम्पशंस भी क्या है, सेम है, ठीक है, जो क्लासिकल थ्योरी है, ओके। बट ये जो क्लासिकल थ्योरी में क्या है, उन्होंने क्या गिवन किया था क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने, कि अगर कंट्री में कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होती है,
ठीक है, उन्होंने वैसे तो बोला फुल इम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है, बट अगर कभी भी कंट्री में अनइम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें लोगों के पास जॉब्स नहीं होती है काम करने के लिए, देन उसके लिए गवर्नमेंट को क्या है अपनी इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। ओके, अगर हम आज के टाइम पे देखें तो कभी भी हमारे कंट्री में अगर पॉवर्टी है अनइम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, देन गवर्नमेंट क्या करती है डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, इम्प्लीमेंट करती है। ओके, ताकि जो अनइम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है उसको इरेडिकेट किया जा सके। और जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने क्या बोला था कि कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, और अगर कंट्री में कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है देन उसमें गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज क्या है एक सिचुएशन के बाद अपने आप कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन एग्जिस्ट हो जाएगी। ओके, बट ये कंसेप्ट जो इन्होंने क्लासिकल थ्योरीज गिवन की थी, एडम स्मिथ, जे एस मिल, डेविड रिकार्डो ने, तो ये जो थ्योरी है वो गलत प्रूफ हुई थी। कब गलत प्रूफ हुई थी? जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पीरियड ऑफ 1926 टू 33, इकोनॉमिक डिप्रेशन ग्रेट ब्रिटेन एंड अमेरिका। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बोला था कि कंट्री में गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। सो उनकी जो थ्योरी है वो रॉन्ग प्रूफ हुई थी, बिकॉज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1926 टू 33, देन उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन है एंड अमेरिका, ठीक है, इन दो कंट्रीज में क्या है इकोनॉमिक डिप्रेशन की सिचुएशन क्रिएट हुई थी। डिप्रेशन मीन्स हमारी कंट्री क्या है डाउन में चली जाती है जब, ठीक है, तो इकोनॉमिक डिप्रेशन की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, जिसकी वजह से क्या है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से क्या हुआ कि जो कंट्री ब्रिटेन एंड अमेरिका है उनकी जो नेशनल इनकम है वो डिक्रीज हो गई थी। ठीक है, फॉल इन नेशनल इनकम एंड अनइम्प्लॉयमेंट, और साथ ही कंट्री में क्या है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हुई थी। सो इकोनॉमिक डिप्रेशन का इफेक्ट क्या पड़ा, नेशनल इनकम डिक्रीज हो गई एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है इंक्रीज हुई थी। ठीक है, और जो अमेरिका एंड ब्रिटेन में जो भी इंडस्ट्रीज थी वो क्या है शट डाउन हो गई थी। ओके, जिसकी वजह से क्या है जो प्रोडक्शन है उस पर इफेक्ट पड़ा था, मतलब जितनी टोटल प्रोडक्शन होती थी टोटल प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो भी क्या है डिक्रीज हो गई थी। तो ठीक है, इसीलिए जो जो इन्होंने क्लासिकल थ्योरी गिवन की थी, तो क्लासिकल जो थ्योरी है वो क्या है इकोनॉमिक डिप्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई। क्लियर है? तो इसके लिए जो केन्स हैं, इकोनॉमिस्ट केन्स हैं, उन्होंने अपनी थ्योरी गिवन की थी, ठीक है, द थ्योरी ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम, ओके, एंड मनी। तो जो नेक्स्ट हम थ्योरी है केन्जियन की थ्योरी, तो केन्जियन ने अपनी थ्योरी क्यों गिवन की थी, बिकॉज अमेरिका एंड ब्रिटेन में क्या है कि जो इकोनॉमिक डिप्रेशन की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, और क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्लासिकल थ्योरी को उस टाइम पे क्रिटिसाइज किया गया था, बिकॉज क्लासिकल थ्योरी जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी डिप्रेशन की सिचुएशन उसको सॉल्व नहीं कर पाई। सो इसीलिए जो इकोनॉमिक्स है केन्जियन, इकोनॉमिक्स केन्स, तो इकोनॉमिक्स केन्स ने क्या है अपनी थ्योरी गिवन की थी इन 1936, ठीक है, द जनरल थ्योरी ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड मनी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड मनी। और इसमें क्या है कि जो केन्स थे उन्होंने क्या है जो क्लासिकल थ्योरी थी, ठीक है, उसे क्या है क्रिटिसाइज किया था, ठीक है, उसे रोंग प्रूफ किया था। क्लियर है? तो जो केन्स की केन्स ने अपनी थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने क्या है, इस थ्योरी में उन्होंने क्या है कि कंट्री में अगर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होती है या फिर डिप्रेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है, देन उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, नेशनल इनकम कैसे इंक्रीज करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट से इम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को कैसे कंट्री में क्रिएट करना है, देन उसके लिए उन्होंने क्या है अपनी जो व्यूज हैं वो गिवन किए थे। ओके, बुक में द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड मनी।
ओके एंड जो केन्स हैं उन्होंने क्या बताया था कि जब कंट्री में इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है, ठीक है, स्टेट ऑफ बैलेंस की सिचुएशन होती है, इक्विलिब्रियम मींस स्टेट ऑफ बैलेंस, देन उस टाइम पे भी हमारी कंट्री में क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होती है. अंडर अनएम्प्लॉयमेंट मींस कि जब लोगों के पास क्या है, फुल टाइम उनके पास जॉब नहीं होती है. सो मींस केन्स का ये कहना है कि अगर कंट्री में बैलेंस की सिचुएशन भी होते हैं ना, तब भी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं होती है. ओके सो मतलब कि कंट्री में इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्रिएट होने से उस टाइम पे भी अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो क्रिएट होती है. अंडर एम्प्लॉयमेंट मींस जिसमें लोगों के पास फुल टाइम जॉब नहीं होती है. ओके एंड देखो कि प्रोडक्शन के लिए जो भी हम टेक्निक्स यूज करते हैं, कैपिटल पूंजी जो यूज, कैपिटल मींस पैसा जो यूज किया जाता है, मशीनरी जो यूज की जाती है, लेबर फोर्स यूज की जाती है, ठीक है. सो उसे क्या है केन्स के अकॉर्डिंग कि जो लेबर फोर्स हम यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए, ओके एंड जो भी हम कैपिटल यूज करते हैं, मशीनरी यूज करते हैं, सो एक गिवन पीरियड टाइम में उनमें चेंजेस नहीं करने चाहिए. लाइक जैसे कि अगर प्रोड्यूसर 1 ईयर का उन्होंने टाइम पीरियड लिया है, ठीक है, और वो क्लोथ की प्रोडक्शन कर रही हैं, ठीक है, तो 1 ईयर में क्या है कि उनके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं उनमें क्या है, चेंजेस नहीं करने चाहिए. बिकॉज अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस करेंगे देन उसका जो इफेक्ट है डायरेक्टली वो क्या है, प्रोडक्शन पे पड़ेगा. ओके सो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या है कि जो लेबर फोर्स है उसको मैक्सिमम इंक्रीज करना चाहिए. जितनी ज़्यादा लेबर फोर्स होगी वर्क करने के लिए उतनी ही जो प्रोडक्शन है वो क्या है, इंक्रीज होगी. ओके एंड जो केन्स हैं उन्होंने क्या बोला था कि शॉर्ट रन में अगर नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है, देन क्या होगा कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी क्या है, इंक्रीज होगी. एंड इसका ऑपोजिट क्या होगा कि अगर नेशनल इनकम डिक्रीज होती है देन जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी क्या है, डिक्रीज होती है. तो केन्स की द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम थ्योरी के बारे में डिस्कस करने से पहले जो इससे रिलेटेड फंक्शंस हैं, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड सेविंग फंक्शंस, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली कंजम्पशन फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. ये तो जस्ट हमने इंट्रो की थी कि पहले क्लासिकल थ्योरी गिवन की गई थी जो कि रॉन्ग प्रूफ हुई थी, फिर बाद में कीन्स ने 1936 में अपनी थ्योरी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट गिवन की थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए. तो जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है कंजम्पशन फंक्शन. कंजम्पशन फंक्शन, देखो जो कंजम्पशन फंक्शन है इन थ्योरी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, मेन जो पार्ट है वो कौन सा है, कंजम्पशन फंक्शन. अब यहाँ पे कंजम्पशन का मीनिंग तो चलो ये होता है कि जो भी हम गुड्स कंज्यूम करते हैं. ओके सो ये जो कंसेप्ट है कंजम्पशन फंक्शन ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन इनकम. बेस्ड ऑन इनकम, सो कंजम्पशन फंक्शन इज बेस्ड ऑन इनकम, ठीक है. एंड दिस फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन एंड इट इज बेस्ड ऑन इनकम. अब देखो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when the income increase consumption also increase but not in the same proportion, means psychological law of consumption ke according kya hai ki jab bhi consumer ki income increase hoti hai, okay, then jo consumption hai wo bhi increase ho jayegi. Okay, jab kisi bhi person ki income increase hoti hai, ठीक है, सो वो कंजम्पशन भी इंक्रीज कर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमोडिटीज को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है. सो इस लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन द इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज द कंजम्पशन आल्सो इंक्रीज बट नॉट इन द सेम प्रपोर्शन, नॉट इन द सेम प्रपोर्शन. कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने से कंजम्पशन तो इंक्रीज होती है बट क्या है, सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज नहीं होती है. ओके क्यों नहीं इंक्रीज होती है, लाइक जैसे कि अगर कंज्यूमर की इनकम 100 से 200 हुई है, सो वो 100 से 200 हुई है तो जो कंज्यूमर है वो अपनी कंप्लीट इनकम को क्या है, कंज्यूम नहीं, मतलब अपनी जो भी डेली रूटीन के लिए कंजम्पशन करता है उसमें एक्सपेंडिचर नहीं करता.
ओके क्यों? बिकॉज जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है देन वो कंजम्पशन भी करता है, ठीक है, और कुछ पार्ट की वो कंजम्पशन करता है डेली रूटीन के लिए एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है, अपनी इनकम का, और कुछ इनकम को वो क्या है सेविंग करके रखता है, ठीक है। सो इसीलिए जो इनकम इंक्रीज होने से कंजम्पशन इंक्रीज होती है बट सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज जो कंज्यूमर है वो क्या करता है इनकम का हाफ पार्ट कंजम्पशन में यूज करता है, ठीक है, गुड्स की कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर करता है और हाफ पार्ट को क्या है सेव कर करता है, जिसे हम सेविंग कहते हैं। ओके तो देखो जो इनकम है, ठीक है, इनकी अकॉर्डिंग जो इनकम है उस पर कंजम्पशन है, इनकम की वजह से इनकम का जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो किसके ऊपर पड़ता है? कंजम्पशन के ऊपर। ओके बिकॉज देखो कि जब भी इनकम इंक्रीज होती है कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी, जब इनकम डिक्रीज होती है तो जो कंजम्पशन है वो भी क्या है डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और एंड जो कंजम्पशन फंक्शन किस पे बेस्ड है? इनकम पे। कौन सी इनकम पे? डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम हमने नेशनल इनकम के कंसेप्ट में भी देखा था कि जो कंज्यूमर जितने भी इनकम जनरेट करता है उसकी इनकम पे टैक्स लगता है, ठीक है, टैक्स के बाद जो उसके पास इनकम रिमेनिंग रहती है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्पोजेबल इनकम। एंड उस डिस्पोजेबल इनकम में से जो कंज्यूमर है वो क्या करता है? हाफ पार्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है एंड हाफ पार्ट को सेव करके रखता है, ओके, बैंक में। तो इसलिए व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? डिस्पोजेबल इनकम हम कैसे डिराइव कर सकते हैं? डिस्पोजेबल इनकम disposable income is derived by subtracting direct taxes in income. तो डिस्पोजेबल इनकम को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं? डिस्पोजेबल इनकम इज डिराइव बाय सब्ट्रैक्टिंग डायरेक्ट टैक्स इन इनकम। तो कंज्यूमर के जो ह्यूमन के पास जो भी इनकम जनरेट होती है उस पर डायरेक्ट टैक्सेस देने माइनस कर देंगे, देन उसके बाद जो इनकम रिमेनिंग होगी वो क्या है? डिस्पोजेबल इनकम होगी। एंड उस डिस्पोजेबल इनकम को कंज्यूमर क्या है अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए स्पेंड करेगा, ठीक है, एंड हाफ पार्ट को क्या है अपने पास सेव करके रखेगा। जैसे कि हम डेली रूटीन में देखते हैं कि हमारे फादर के पास जो भी इनकम जनरेट होती है उसमें से वो क्या करते हैं हाफ पार्ट को अपने पास सेविंग के फॉर्म में रखते हैं, बिकॉज कभी भी अगर फर्दर फ्यूचर टाइम में कभी भी मनी की जरूरत हो देन उस सेविंग का वो क्या है यूज कर सकते हैं। ओके तो देखो क्लियर है, कंजम्पशन फंक्शन इज बेस्ड ऑन डिस्पोजेबल इनकम। अब देखो जो इनकम है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? वाई। इनकम को डिनोट किया जाता है वाई से। और जो डिस्पोजेबल इनकम है से हम किससे डिनोट करेंगे? डिस्पोजेबल इनकम इज डिनोटेड बाय वाई डी, कि वाई इनकम, डी मींस डिस्पोजेबल। सो डिस्पोजेबल इनकम इज डिनोटेड बाय वाई डी। क्लियर है? अब देखो तो कंजम्पशन फंक्शन को अगर हमने मैथमेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना हो, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में उसे कैसे हम लिखेंगे कंजम्पशन फंक्शन को? सी इक्वल फंक्शन ऑफ वाई। सी इक्वल फंक्शन ऑफ वाई डी। अब देखो कि जो हमने माइक्रो में सिक्स चैप्टर किया था प्रोडक्शन का, उसमें हमने क्या देखा था कि जो वाई है इक्वल फंक्शन ऑफ एक्स, मीन्स कि जो एक्स है वो क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड वाई क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। बिकॉज अगर वाई को अपनी कोई भी वैल्यू चाहिए देन उसके लिए वाई को इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड रहना पड़ता है। ओके डिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखो यहाँ पे भी क्या है जो सी है वो क्या है वाई, मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड जो वाई डी है ये क्या है इंडिपेंडेंट। ओके सो मतलब कि जो कंजम्पशन है वो किस पे बेस्ड है? डिस्पोजेबल इनकम पे। जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है, जो कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज होगी, एंड जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज होगी जो कंजम्पशन है वो क्या है डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए कंजम्पशन इज डिपेंड ऑन डिस्पोजेबल इनकम। सो कंजम्पशन फंक्शन को हम मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ओके अब देखो जो कंजम्पशन है, ठीक है, कंज्यूमर जो भी कंजम्पशन करता है वो भी टू टाइप की कंजम्पशन पे डिपेंड होता है, ठीक है,
अगर हम लीनियर फॉर्म में लिखे कंजम्पशन फंक्शन को, देन लाइक सी इक्वल ए प्लस बी वाई टी, लीनियर फॉर्म में। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को पता है कि लीनियर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो इसको कंजम्पशन फंक्शन को अगर लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट करे, देन इट इज प्रेजेंटेड बाय सी इक्वल ए प्लस बी वाई डी। तो देखो कंजम्पशन टू कंजम्पशन पे डिपेंड होती है। ए मीन्स ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ओके। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज नॉट बेस्ड ऑन इनकम। व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन विच इज नॉट बेस्ड ऑन, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन इनकम। ऑटोनोमस कंजम्पशन वो होती है जो इनकम पे डिपेंड नहीं होती है। मीन्स कि अगर कंज्यूमर की इनकम जीरो है देन उस टाइम पे भी वो कंजम्पशन करेगा, ठीक है। और उस टाइम पे उसके पास इनकम जीरो है देन वो कंजम्पशन कैसे कर सकता है, या तो वो क्या है उसने जो भी अपनी सेविंग रखी हुई है, ठीक है, उसे यूज करेगा, या फिर क्या है किसी से पर्सन से मनी बोरो करेगा। तो कैसे ना कैसे वो उसको कंजम्पशन करता है, ठीक है। अगर कंज्यूमर की इनकम जीरो है, अगर वो 100 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है, देन इसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। एंड बाई बी मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्या बी मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स चेंज, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स इसे हम एमपी से डिनोट करेंगे, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम। तो हम बी मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम में चेंजेस होने से कंजम्पशन में क्या चेंजेस होंगे, डिस्पोजेबल इनकम अगर इंक्रीज हो रही है देन कंजम्पशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज हो रही है देन कंजम्पशन क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एग्जिस्ट रिलेशन बिटवीन चेंजेस इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम। तो कंजम्पशन इक्वल ए प्लस बी वाई डी, ठीक है। सो ये लीनियर फॉर्म, ओके। अब हम इसे क्या है, फिगर के फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। कंजम्पशन फंक्शन को y एक्सिस, x एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, इनकम एंड कंजम्पशन, ओके। यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिया 50, 100, 150, 200, 250, 300 and 350, ओके। 100, 200, 300, 400, 500, 600, ओके। अब देखो जो इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है, वो रिलेटेड होती है, इनकम को हम वाई से नोट अगर करें तो इक्वल टू सी प्लस एस। बिकॉज अगर कंज्यूमर की इनकम 100 रुपीज़ है तो वो किसके इक्वल होगी, कंजम्पशन प्लस सेविंग के। बिकॉज जितनी भी कंज्यूमर की इनकम है उसमें से वो क्या करता है, कुछ पार्ट सेविंग करता है, कुछ पार्ट को कंजम्पशन करता है। लाइक जैसे कंजम्पशन उसने की है 70 रुपीज़ की, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड जो सेविंग है वो कितनी है 30। तो देखो इनकम है वो किसके इक्वल हो जाएगी, कंजम्पशन प्लस सेविंग 100 इक्वल 100, ओके। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे कि जो इनकम की लाइन है उसे ड्रॉ करेंगे, इनकम इक्वल कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो फर्स्टली अगर हम देखें कि जब कंज्यूमर की इनकम जीरो होती है, ओके, एक्स एक्सिस पे हमने इनकम को प्रेजेंट किया, जब कंज्यूमर की इनकम जीरो होती है देन उस टाइम पे भी कंज्यूमर क्या है, कंजम्पशन करता है, ओके, ऑटोनोमस कंजम्पशन। जैसे जैसे इनकम का लेवल इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होके क्या है 150 होगी, ओके, यहाँ पे हम 150 लेते हैं, तो कंज्यूमर का जो
ये हमारा इनकम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कंजम्पशन। तो कंज्यूमर की इनकम जब जीरो है तब भी वो क्या है, कंज्यूम कर रहा है। जब कंज्यूमर की इनकम क्या है, जीरो से 150 हो जाते हैं, यहाँ पे मैंने 150 प्रेजेंट की, 150 ठीक है। तो जो कंजम्पशन है वो भी कितनी हो जाएगी, 150, यहाँ पे 150 ठीक, ये 150 है। दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे टू कर्व्स ठीक है, टू लाइन्स एक दूसरे को टच कर रही है ठीक है, यहाँ पे टच कर रही है दूसरे को, ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। बिकॉज यहाँ पे जो इनकम है एंड जो कंजम्पशन है ठीक है, वो दोनों क्या है, इक्वल है। जैसे जैसे देखो कंज्यूमर की इनकम 200 होगी तो कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, और फिर इनकम 300 होगी, 400 होगी, 500 होगी, 600 होगी ठीक है, सो कंजम्पशन है वो भी क्या है, इंक्रीज होती जाएगी। तो सी इक्वल ए प्लस बी डॉट वाई डी, ए मीन्स ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी मीन्स चेंजेस इन इनकम, इनकम में चेंजेस होने से जो कंजम्पशन है वो भी क्या है, इंक्रीज हो रही है। तो थोड़ा सा और ऐसे इसको प्रेजेंट करना है, E इक्वल ए प्लस वाई डॉट टी, बी वाई, ओके। सो क्लियर है, फर्स्टली हम क्या करेंगे, कंजम्पशन फंक्शन को अगर हमने प्रेजेंट करना है, इनकम एंड कंजम्पशन, सो उसके लिए हम फर्स्टली क्या करते हैं कि जो इनकम है कंज्यूमर की ठीक है, उस लाइन को ड्रॉ करेंगे। देन उसके बाद क्या है कि फर्स्टली जो कंजम्पशन है ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, जब वो इनकम जीरो है तो कंजम्पशन क्या है, 100 ऑटोनोमस कंजम्पशन ठीक है। फिर देखो जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, जीरो से 150 होती है, तो जो कंजम्पशन है वो भी क्या है, 150 हो जाती है ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे कंजम्पशन एंड इनकम दोनों इक्वल है। फिर उसके बाद देखो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाती है, कंजम्पशन भी क्या है, इंक्रीज हो रही है ओके। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई डी, ओके। कंजम्पशन फंक्शन इक्वल ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ठीक है। सो ये तो हमने इनकम एंड कंजम्पशन के बारे में डिस्कस किया ठीक है। अगर देखो अगर हमने सेविंग को, सेविंग की फिगर हमने अगर ड्रॉ करनी है, देन वो क्या कैसी होगी, y एक्सिस, x एक्सिस, इनकम एंड सेविंग, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 300, 400, 500, and 60 यहाँ पे हमें लिट नेगेटिव में। बिकॉज देखो हमने क्या देखा था कि जब अब हमने सेविंग एंड इनकम का फिगर ड्रॉ किया ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन में क्या होता है कि जैसे जैसे कंजम्पशन फंक्शन इनकम पे डिपेंड है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे इनकम डिक्रीज होगी कंजम्पशन भी डिक्रीज होगी। तो अब देखो हमने देखा था कि जो कंजम्पशन है कि जब कंज्यूमर की इनकम जीरो होती है, देन उस टाइम पे भी कंज्यूमर कंजम्पशन करता है ठीक है, 100 रुपीज एक्सपेंडिचर करता है, तो 100 रुपीज वो किसी से बोरो कर रहा है ओके। तो उसके बाद क्या है, सो इसीलिए जो नेगेटिव से स्टार्ट होगी सेविंग की जो लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, नेगेटिव से। फिर उसके बाद क्या है, जैसे कंज्यूमर की इनकम 150 होती है ठीक है, 150 होने से क्या है कि जो कंजम्पशन जो सेविंग लाइन है ठीक है, वो क्या है, ओरिजिन पॉइंट पे टच करेगी, और जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती जाएगी जो सेविंग है वो क्या है, पॉजिटिव हो जाएगी ठीक है। सो ये क्या है, हमारी सेविंग लाइन, क्लियर है। अब देखो जो सेविंग है वो फर्स्टली नेगेटिव में क्यों थी, हंड्रेड एंड 200, तो सेविंग फर्स्टली नेगेटिव में क्यों थी, बिकॉज जब कंज्यूमर की इनकम जीरो होती है तब भी वो 100 रुपीज की कंजम्पशन कर रहा है, और 100 रुपीज की कंजम्पशन वो क्या है, अपनी सेविंग्स के थ्रू भी कर सकता है या किसी से बोरो करके भी मनी लेके कर सकता है। सो इसीलिए फर्स्टली जो सेविंग लाइन है फर्स्टली वो नेगेटिव होगी, उसके बाद जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है 150 होती है, तो जो सेविंग लाइन है वो ओरिजिन पॉइंट को टच करेगी, और फिर जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती जाती है उसमें से कुछ पार्ट का वो सेव करता है और कुछ पार्ट को वो क्या है, कंज्यूम करता है। सो इसीलिए बाद में फिर जो सेविंग है वो क्या है, पॉजिटिव हो जाएगी ओके। तो आज हमने क्या है कि जो कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, सेविंग फंक्शन एंड कंजम्पशन फंक्शन में फर्स्ट कंसेप्ट हमने कंजम्पशन फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है कि कंजम्पशन फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन
इनकम पे डिपेंड होते हैं, फिर उसके बाद हमने इनकम एंड कंजम्पशन में क्या रिलेशन है, उसके बाद सेविंग एंड इनकम उसकी फिगर को प्रेजेंट किया है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट में हम जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।